हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने थंबनेल पे बताया है कि जो ऑल चैनल हैं यूट्यूब के वो डिसेबल हो जाएंगे, मतलब उनका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है, उनका जो डॉलर साइन है वो उनके वीडियो से हट गया है। तो ये क्या है, क्या आप सबका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा कि क्या इसके पीछे का सारी कहानी है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके चैनल के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपका जो मोनेटाइजेशन का लोगो है या जो डॉलर का साइन है अगर वो रिमूव हो गया है, तो क्या आपको टेंशन लेना चाहिए कि ये नॉर्मल है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप टेंशन ना लें और इस वीडियो को एंड तक देखें, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ YouTube में हो क्या रहा है कि बहुत से ऐसे YouTube क्रिएटर हैं जिनके वीडियो वाले सेक्शन में वहाँ पे जो डॉलर का साइन है वो रिमूव हो गया है, और बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है YouTube में। अगर आप टेंशन ले रहे हो कि हमारा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है, या कोई अपडेट हुआ है जिसके कारण से हम लोग के चैनल को डीमोनेटाइज किया गया है, या बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमसे ही कोई गलती हुई है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब तक आपको कोई वैलिड रीज़न ना बताओ, तब तक आप कोई भी गलत स्टेप मत उठाया करो। लोग सोचते क्या हैं कि कभी कभी मैंने बहुत से ऐसे चैनल्स देखे हैं जैसे उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, या कुछ भी कॉपीराइट क्लेम आ गया, या कुछ भी आता है तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे वीडियो को ही डिलीट कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं, मैंने जो डिस्प्यूट वाला एक वीडियो बनाया था वो बहुत ही अच्छा खासा चल भी रहा है हमारे चैनल पर, तो वो डिस्प्यूट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो ट्यूटोरियल, तो मेरा देख के बहुत से लोग अपने वीडियो के लिए डिस्प्यूट कर दिए। उसके बाद उनके उनको पता चलता है कि वो जो लोग डिस्प्यूट किए हैं वो गलत डिस्प्यूट किए हैं, तो फिर वो करते क्या हैं, सीधे वीडियो डिलीट कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन पे डिस्कस भी करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई डाउट हुआ करे तो आप सिंपली मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे डिस्कस कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके चैनल पे भी डॉलर्स का साइन रिमूव हो गया है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डॉलर का साइन रिमूव हुआ है ये एक कॉमन बात है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये यूट्यूब का एक बग है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि अब 2021 में आपके चैनल को डिसेबल किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज ही रहेगा। यहाँ पे बस एक छोटा सा यूट्यूब का बग है जिसके कारण ये जो डॉलर का साइन है वो रिमूव हो गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी वीडियो डिसेबल होती है या आपके चैनल में मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो डॉलर का साइन होता है वो ग्रे हो जाता है। ये नहीं कि सीधे साइन ही गायब हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके चैनल पे आपके वीडियो का जो डॉलर का साइन है वो रिमूव हो गया है तो वो थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूज़फुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।